नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ द्वारा। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है खबरों की खबर का। अमेरिका ने अपनी 38% व्यस्त आबादी को वैक्सीनेट करने के बाद मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी है। ब्रिटेन में 75% व्यस्त आबादी को कम से कम एक डोज लग चुका है। वहीं इजराइल ने तो अपनी 60% व्यस्त आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर लिया है। इन देशों में धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं पहले जैसी हो रही है या हो भी चुकी है, इसके मुकाबले भारत में 13% आबादी को कम से कम एक डोज लग चुका है। ये बात इसलिए कि भारत में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो सबसे कम है। वैक्सीन डोज की उपलब्धता एक समस्या है जिनका हल सरकारें निकाल रही है, पर कई भ्रांतियां और मिथक भी हैं जो लोगों को वैक्सीन उपलब्ध न होने के बाद भी उससे दूर रखे हुए है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ कोई शर्त या इलाज नहीं है, लक्षणों के आधार पर इलाज किया जा रहा है। और भारत ने हाल ही में दूसरी लहर में 1.5 लाख से अधिक मौतें आधिकारिक तौर पर देखी है। इसे देखते हुए वैक्सीन ही एकमात्र उम्मीद की किरण है। वैक्सीन शरीर को वायरस को पहचानने और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में भी मदद करती है। बेहद जरूरी है कि जब भी उपलब्ध हो वैक्सीन का डोज आवश्यक ले। वैक्सीन से जुड़े कुछ मिथक और शंकाएं हैं जो लोगों को वैक्सीन लगाने से रोक रहे हैं। हमने ऐसे ही 8 मिथकों की हकीकत को जानने की कोशिश की है। 1 मई से भारत में 18+ को वैक्सीन लगनी शुरू हुई है और अब उनकी भागीदारी सबसे अधिक दिख रही है। 30 मई को 10 लाख डोज दिए गए हैं, उसमें से 62% 18 से 44 वर्ष आयु के ग्रुप के हैं। आप इन मिथकों से जुड़ी सच्चाई को जानिए और लोगों से शेयर करें जो किसी मिथक या शंका की वजह से वैक्सीन से दूरी बना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले मिथक की। वैक्सीन बहुत कम समय में बनी है, इस वजह से यह सुरक्षित नहीं है। हकीकत यह बात सच है कि वैक्सीन 1 साल से भी कम समय में विकसित हुई है। इससे पहले मंस की वैक्सीन 4 साल में तैयार हुई थी और वह सबसे कम समय में विकसित वैक्सीन थी। यह देखें तो कोविड-19 वैक्सीन तो रिकॉर्ड टाइम्स में विकसित हुई है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल देने में नियमों का सख्ती से पालन हुआ है, पर सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन भी किया गया है। वैज्ञानिकों ने 24 घंटे के अंदर 24 घंटे काम कर सुनिश्चित किया है कि यह वैक्सीन सबके लिए सुरक्षित रहे। दरअसल WHO से लेकर हर देश के रेगुलेटर ने सख्त रेगुलेशन का पालन भी किया है। लैबोरेटरी में इन वैक्सीन को जांचा भी गया है, फिर इंसानों पर उसके ट्रायल्स हुए हैं। उसमें मिले नतीजों के आधार पर उनकी इफेक्टिवनेस तय हुई है। यह कहना पूरी तरह गलत है कि वैक्सीन असुरक्षित है। रेगुलेटर्स ने सुरक्षा और इफिकेसी जैसी पहलुओं पर डेटा स्टडी करने के बाद ही उन्हें अप्रूवल दिया है। मिथक 2, वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स है। हकीकत यह सच नहीं है। भारत की ही बात करते हैं तो एडवर्स इवेंट सिर्फ 0.013% रहे हैं, यानी 10 लाख में सिर्फ 130 लोगों में साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, यानी नहीं के बराबर। इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर दर्द, सूजन, बुखार जैसे साइड इफेक्ट्स जरूर हो सकते हैं। यह लक्षण के 1 से 2 दिन में खुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं। इस वजह से वैक्सीन से मिलने वाले फायदों के मुकाबले साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है, इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत कतई भी नहीं। मिथक 3, वैक्सीन की वजह से विकसित होने वाली इम्यूनिटी शराब पीने से कमजोर हो जाती है। हकीकत यह सरासर गलत है और यह दावा भी गलत है। वैक्सीन और शराब का कोई भी लेना देना नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनके शरीर में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। हो सकती है बहुत ज्यादा शराब पीने से लीवर, दिल के रोग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में डॉक्टर इससे बचने की सलाह दे रहे हैं। शराब और वैक्सीन को लेकर विवाद रूस से शुरू हुआ था। पिछले साल वहां के नेताओं ने कहा था कि वैक्सीन लेने वालों को कम से कम 2-3 महीने शराब नहीं पीना है।
इसके बाद कई लोगों ने वैक्सीन को लेकर हिचक भी दिखा दिए, जांच से कुछ भी साबित नहीं हुआ है। अमेरिका के कुछ प्रांतों में तो लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से फ्री में बियर भी बांटी गई है। वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर में वैक्सीन लगवाने आए लोगों को सोलेस कंपनी की ओर से फ्री बियर बांटी गई है और इसने काफी हद तक लोगों की हिचक को भी कम कर दिया है। मिथक नंबर 4, बच्चों को दूध पिला रही महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए क्योंकि यह उनकी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकती है, साथ ही बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हकीकत, शुरुआत में बच्चों को दूध पिला रही महिलाओं को वैक्सीनेशन से बाहर रखा गया था, पर स्टडीज के बाद यह साबित हो चुका है कि वैक्सीन उनके और नवजात बच्चों के लिए सुरक्षित है। डिलीवरी के तत्काल बाद वैक्सीन लगवाने से न केवल मां सुरक्षित होती है बल्कि उसका दूध पीकर एंटीबॉडी बच्चे तक भी पहुंचती है या बच्चों को भी कोविड इंफेक्शन से प्रोटेक्शन देती है। मिथक 5, जिन महिलाओं के पीरियड्स चल रहे हैं उनकी इम्यूनिटी को वैक्सीन कमजोर करती है। हकीकत, यह सरासर गलत है। महिलाओं के पीरियड्स का वैक्सीन की इफेक्टिवनेस से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी वैक्सीन लग रही है, ऐसे में यह भ्रम है कि पीरियड्स में वैक्सीन डोज लेने से इम्यूनिटी कमजोर होती है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिथक 6, यदि किसी को कोविड-19 इंफेक्शन हो चुका है तो उसे वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। हकीकत, एंटीबॉडी विकसित करने के दो तरीके हैं। पहला, कोविड-19 इंफेक्शन और वैक्सीन। जिन्हें इंफेक्शन हुआ है उनके शरीर में एंटीबॉडी बनी होगी, पर यह कितने दिन टिकेगी हर व्यक्ति पर यह निर्भर करता है। पर रीइंफेक्शन का खतरा भी है, इस वजह से भारत सरकार ने सलाह दी है कि इंफेक्शन होने के 3 महीने बाद वैक्सीन का डोज लिया जा सकता है। सरकार ने बुजुर्गों के साथ ही उन लोगों को भी प्रायोरिटी ग्रुप में रखा था जिन्हें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं। कोरोना से इन्हें सबसे ज्यादा खतरा भी है, इस वजह से इन्हें वैक्सीन लगवाना सबसे अधिक जरूरी भी है। मिथक 7, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर से पीड़ित लोग वैक्सीन लगने के बाद कमजोर हो सकते हैं। यह एक ऐसा ग्रुप है जिसे भारत सरकार ने प्रायोरिटी ग्रुप में रखकर वैक्सीनेट किया था। इन लोगों को इंफेक्शन होने पर गंभीर लक्षण होने की आशंका बढ़ जाती है, इस वजह से सलाह दी जाती है कि इस संवेदनशील ग्रुप को जो भी उपलब्ध हो कोविड वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए या उन्हें इंफेक्शन के गंभीर लक्षणों से सुरक्षित रखेगा। मिथक 8, कोविड वैक्सीन वेरिएंट्स पर इफेक्टिव नहीं है। हकीकत, यह बिल्कुल भी सच नहीं है। वेरिएंट्स पर भी वैक्सीन इफेक्टिव है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की एक स्टडी के मुताबिक कोविशील्ड और फाइजर वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं तो वे वेरिएंट से बचाने में काफी हद तक सफल भी रहे हैं। कोवैक्सीन के संबंध में भी दावा किया जा रहा है कि यह यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के साथ ही भारत में मिले डबल म्यूटेंट स्ट्रेन से भी प्रोटेक्शन देती है। मतलब कि यही है कि लगातार जिस तरह से वैक्सीन को लेकर अफवाहें और भ्रम फैलाए जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। आप सभी को अपने आप को वैक्सीनेट कराने की जरूरत है क्योंकि एकमात्र हमारे पास सिर्फ वैक्सीन ही है जिससे हम सभी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और इस महामारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये थी खास खबरों के लिए, बनी रहे खबरों की खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।